हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, बहुत लेट हो चुका हूँ। फ्रेंड्स 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का मैं लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जो पूरा एक्यूरेट मिलेगा, ऑथेंटिकेट मिलेगा, 100% बोल रहा हूँ कि एक्यूरेट क्वेश्चंस मिलेगा। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। नेवी SSR के लिए और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी बेल बटन को दबाकर प्रेस करके ऑन करके रखिए, ताकि जितने भी नए वीडियो मेरे अपलोड हों सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की, और वीडियो में क्वेश्चंस को प्रोवाइड करता हूँ, और वो भी प्रोवाइड कब करूँगा जैसे वीडियो अपलोड होगा वो आपको PDF के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो पहला क्वेश्चन, देखिए मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x dx। तो ईजी है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, u/v का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए ddx ऑफ dy/dx का भी एक फार्मूला होता है u/v, और इसमें भी आप u/v का फार्मूला लगा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, इसमें देख सकते हो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाइए और sin स्क्वायर एक्स नीचे है, दोनों में आप कर सकते हो, विलय भी कर सकते हो, तो निकल जाएगा आंसर। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y x एक्सिस पर जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर एक नॉर्मल का इक्वेशन निकलना था। ये क्वेश्चन इससे था, ठीक है। बेल्जियम की करेंसी पूछी गई थी, बेल्जियम की करेंसी तो क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। कल्मिनेशन का एंटोनिम पूछा गया तो नादिर हो जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु गर्ल्स प्रोटेक्शन में स्कीम से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये स्कीम क्या है। तो वो स्कीम थी शिवगामी अमैयर मेमोरियल गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, तो ये सब क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए जो गर्ल्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं, और ये स्कीम जो है ना बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। मिजो जो भाषा है वो कौन से स्टेट की भाषा है। तो मिजो आपका ऑप्शन में मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे चार ऑप्शन दे रखे थे जिसमें आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजो से हुआ मिजोरम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। टेलीस्कोप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ टेलीस्कोप आपको यूज़ कर सकते हो, बायोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, और फिजिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मतलब ऐसे टेम्परेरी देखा जाए, ये साइंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता था, तो कौन किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है 2018 का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, वो अप्रत्यक्ष कार्यकाल होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट एंड एंटी नोट पर प्रश्न पूछा था, इसके डिफरेंस के बारे में पूछा गया, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस 45 डिग्री हो जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICFAI इसका फुल फॉर्म पूछा गया था शायद, तो इंडिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, ईरान, ऐसे 5-6 देश इसमें एक साथ एकजुट होकर ये काम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था 3715, उसके बाद ब्लैंक था, उसके बाद 63, उसके बाद 127, तो इसमें आपको जो ब्लैंक जगह पर क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना था। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है, तो फ्रेंड्स नागार्जुन बांध आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये जकार्ता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक से था एक प्रश्न पूछा गया था कि ए एंड बी के लिए AB इज इक्वल टू BA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था देखिए यहाँ पर कि WXGA का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वाइड एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा 247 का वैल्यू, तो मैं अब बता दूँ सिर्फ आयोटा जो अगर ऑड में रहे वैल्यू, जब भी वैल्यू ऑड में होगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा, अगर प्लस मतलब जैसे कि इवन में रहेगा तो वो प्लस में आएगा वैल्यू। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आयोटा, ये होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 9 + 13 + 7 + x + 16 का मीन 10 देन x इक्वल टू व्हाट, एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया है, तो दिलवाड़ा मंदिर जो है ना विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। CPCT का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, एक इसका आंसर हो जाएगा। रबर उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो केरला में सबसे ज़्यादा उत्पादन रबर उत्पादन होता है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ISTLE इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया, तो देखिए ये क्वेश्चन गलत है, तो बच्चों कुछ ऐसे मतलब गलतियां करते हैं, कुछ शैतानीपन करते हैं तो ये गलतियां हो जाती हैं उनके वजह से, तो ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ऐसे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 739x + 31 मीन टू 10, जिसका मीन था 10, फाइंड वैल्यू x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। जिप का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो जोन इंप्रूवमेंट प्लान, और IFSC का फुल फॉर्म पूछे, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड,
ठीक है। स्टर्न का एंटोनिम्स पूछा गया था जेनियल, जेनियल और फ्रेंडली, ठीक है। फ्यूरी का सिनोनिम्स पूछा तो एंग्री, एंगर हो जाएगा, टेम्पर हो जाएगा, मैडनेस हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, तो फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होता है आर्टिकल 24। और एक लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉस एक्स टू द पावर 1/x, इसका ये थॉट। एक डिफरेंस पूछा गया था, मैंने बताया कि फ्रेंड्स टू नोट्स का डिफरेंस क्या होगा, तो 45 डिग्री। अर्थ मूव अराउंड सन चेंज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे था, और एक क्वेश्चन पूछा था 1/√x2+2x+1, ये इंटीग्रेशन में पूछा था या लिमिट से पूछा था, क्या पूछा था इसका, इसमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना था, बस उस बच्चे ने बस इतना ही बताया सर कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस राज्य में सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये आप देखिएगा ये किस में किस राज्य में है। सबसे अधिक प्लास्टिक का उत्पादन कहाँ होता है, तो गुजरात में सबसे अधिक 5000 प्लास्टिक पर ईयर बनते हैं, ठीक है, पर मंथ में, ठीक है। हरपीज से प्रभावित अंग, एक क्वेश्चन पूछा था हरपीज से प्रभावित अंग क्या हो जाएगा। गैट का फुल फॉर्म पूछेगा तो जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर वॉज डिस्कवर्ड बाई वूम, तो मार्शियन हॉफ। ऐसा और भी बहुत सारे डिस्कवर जो इन्वेंटर हैं उनके नाम हैं, लेकिन अगर आप देखें डिस्कवर्ड बाई किसके द्वारा, तो मार्शियन हॉफ ही होना चाहिए। ICFAI, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया। आज के दिन के बस इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगा, उसको देखते रहिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।